हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो अभी 3 बज रहा है और मैं बहुत काम कर रही हूँ 1 घंटे से, मतलब कि कपड़े धो रही हूँ। मैं आपको पता है इकट्ठे ही कपड़े धोती हूँ 4-5 दिन का हिस्सा, तो कुछ धो लिया है कुछ पूरा बाल्टी शाल्टी कपड़े वपड़े सब फैला रहा है, बोल लिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो मैं अभी कर रही थी लंच, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। और मैंने आज लंच में कराया चावल, चिकन की ग्रेवी और तोड़ई की सब्जी जो मम्मी बनाई थी। मैंने लंच कर लिया तो आंटी जी ने मेरे लिए रायता भेजा है, तो मैं दिखाती हूँ। ये इतना टेस्टी है, मुझे बनाना नहीं आता वैसे, पर मैं ये खाते खाते पूरी कटोरी फिनिश कर दी। सोच रही हूँ थोड़ा रख दूँ, बाद में खाऊँगी, फिर सोच रही हूँ नहीं मैं पूरा खा लूँ। अगर मैं इसे टेस्ट करके बताऊँ ना आंटी ने इसमें क्या क्या डाला है, दही, प्याज, खीरा, टमाटर और जीरे का तड़का भी लगाया है और हरी मिर्च भी है, देखें। तो ये इतना टेस्टी है मैं नहीं बता सकती आपको। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था यार, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं उलझ जाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मेरा मूड ठीक डिस्टर्ब रहता है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। पर ये कोई रीज़न नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आज छोटा सा ब्लॉग बना लूँ फटाफट। क्या है कि आजकल मेरा फेसबुक पर वीडियो चलती है, यूट्यूब पर तो पता नहीं क्या हो गया, नहीं चलता। और अभी बच्चों की छुट्टी भी चल रही है तो ये सारी दिक्कतें हैं। और अभी मेरे घर के सारे बच्चे कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ लंच कर रही थी। मैंने कहा कि नहीं 4 बज जाएगा, फिर 5 बज जाएगा, पर मुझे नहीं रायता शायद बनाना नहीं आता है। वैसे तो मैं गांव से हूँ, तो गांव में मुझे चटनी पट्टी बहुत अच्छे से आती है, दाल चावल बनवा लो, बैंगन की सब्जी। तो ये आंटी ने, मकान मालकिन है आंटी है, जो कि 3 दिन पहले मैंने बोला था कि मुझे कटहल खाना है, तो आंटी पूरा कटहल की सब्जी बना के पूरा कुकर भेज दी, जा खा ले, मैं 2 दिन में फिनिश करी हूँ। जबकि जैनब कटहल मार्केट से ला के दी कि बना लेना, पर मुझे मैं नहीं बनाई, मैंने आंटी से बोला कि बनाना नहीं आता है, तो मैंने कटहल दे दी, तो पूरी की पूरी सब्जी आंटी ने बना के दी, तो हम सब ने खाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। क्योंकि इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, ब्लैक चिकन बना लिया था, तो मैंने वो किसी को खास ऐसा लग रहा था क्या पका लिया, मैंने कोयला सोयला पका लिया है, सारे मुझे फेंकने पड़े। तो ना मैं ये रायता ना अभी मम्मी को भी दिखा और चखाती हूँ। और अभी आप मेरे ब्लॉग चैनल पे अगर, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप या फेसबुक पे नए हैं ना, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, जिससे आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मम्मी के पास चलती है। माँ ये देख खाना क्या है, खाइयो ना कैसा है, देखो। नहीं मैं मम्मी को दी हूँ खाने के लिए, खा के बताइयो कैसा है। टेस्ट करके बताना, मैं नहीं बनाई हूँ, आंटी बना के भेजी अरिबा की अम्मी। अच्छा है। रायता है दही का, खीरा डाल के। तो अम्मी कह रही कि बहुत अच्छा है, वैसे अम्मी को दही बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत दही खाती हैं मम्मी, देंगे ना। और यहाँ है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का 2 डब्बा था, एक इन पांचों ने, मतलब एक तो नहीं दोनों को फिनिश कर दिया है, थोड़ा सा है बस बचा हुआ इसमें। ना सब लोग खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। मैं नहीं दे रही, अब मेरा हिस्सा है। ना बच्चों ने खा लिया था ना, बड़ों का है। ना मामा थोड़ा सा, मैं एक बूंद नहीं देने वाली हूँ। ना, ना, ना। तो ये देखो पूरा आइसक्रीम खा के जा रहे हैं। खा लिया,
तो अभी हमारा खाना पीना हो गया, तो मैं ये सारे कपड़े पहले धो के फिनिश कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग बनाऊंगी। फिर अभी ना आइसक्रीम खाए हैं ये सब, अभी आपने देखा ना 2 मिनट हुआ है। हमने इसलिए हंस रही हूँ। अरे क्या महक रहा है, क्या लगाया? मैंने साबुन लगाया। फिर धोया मुंह। ये ना जोया ना सुबह से रात तक मैं 5-6 बार मुंह हाथ धोती है ना, और इनके हेयर स्टाइल देख रहे हो? मम्मा इधर मत करो, इधर सही था। अच्छी लग रही ना जोया? ए जोया गंदी बात, ऐसे सही लग रहे हो, मुर्गा लग रहे हो। फेस वॉश यूज कर लेंगी, साबुन हैंड वॉश कुछ भी फेस पे लगा लेती है जोया। और ये तो अच्छे से हेयर स्टाइल करके आ रही है, और फैजान को देखो छुप छुप के क्या कर रही है, हटो हटो। ये देखो पूरा जेम का बॉटल लेके बैठ गया है खाने के लिए, है ना, और आधा फिनिश भी करा है। इसके तो पेट नहीं भरते, इसके तो पेट नहीं भरते। बस उसी का मेरा हो गया, मैं खाऊंगा। अब ये खाएगी, देखो अब इनकी बारी आई। ये स्कूल के लिए लाके रखा है, सुपर खाने तो। अरे थका दिया मुझे इन बच्चों ने, है ना। और ये बाल सेट करके आ जा, बालों में भी कुछ लगा हुआ। ओह पीछे है। तो मेरे सारे कपड़े उपड़े धुल गए, नमाज भी पढ़ लिया है ना, देखो रिंग डाल के है, और जीभ कितना नीला हो रहा है, दिखा, पैन मुंह में डालिए। तो अभी जोया को पीना है जूस, शरबत घर का। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ जूस, पहले ही मैंने चीनी डाल दिया था खुलने के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो अभी फोन बहुत मुश्किल से टिकाई हूँ, और इसमें शरबत चीनी मैंने पहले घोल लिया, अभी ये है टैंग। नहीं अभी मैंने चीनी नहीं दिया उन्हें, जाओ यहाँ से। 3 ठीक है ना, तो शाम के टाइम में चाय पीते हैं। तो मैं ये बना रही टाइम पास के लिए ये सही है। तो ये देखें शरबत का, शरबत भी बन गया और टाइम भी नहीं लगा। तो अभी भैया शाम के 6 बज गए हैं, और मुझे जाना है नीचे, और आज का ब्लॉग मैं नहीं एंड कर दूंगी। शरबत पीना हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज। हाँ जूस बनाना नहीं आ रहा हो ना अगर आपको, तो फैजान ने बोला है पाउडर खरीदना, पानी डालना, चीनी डालना, और ये डाल देना है ना, और घोल के पी लेना। सीख गए, रेसिपी मिल गई, खुश हो गए। बाय करो। बाय, अदा अदा नहीं खुदा खुदा हाफिज। इतनी बड़ी बेइज्जती, तो बाय, अल्लाह हाफिज़।